तो अब इसको इस तरह से धूप आ गई है अच्छे से। पागल नहीं है, कभी दीदी घर जा रही है। ए मेरी बेटी जी भी घर आए हैं। बाय साईशा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज गए सुबह के 10 और अभी हम फ्री हो गए खाना खुना खा के, और दीदी और साईशा भी घर चले गए हैं, और मेरे हस्बैंड आज फिर से गए हैं मैच देखने। और अभी मैंने बस, तो आज ना मैंने आदमी को नहलाया भी नहीं, सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे, टाइम ही नहीं लगा। तो अब टाइम हो गया है, मैं सोच रही हूँ आज रहने देते हैं, एक दिन कुछ नहीं होता है। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है, और यहाँ पे तो वैसे भी ज़्यादा ठंड होती है मेरे मायके में। और मौसम भी ठीक ही है, आज आपको दिखाती हूँ बाहर के थोड़े नज़ारे। ये देखिए धूप आ गई है अच्छे से, और आदमी जी यहाँ पे बैठे हैं। और आदमी को ना आज मैंने गर्म वाली स्वेटर पहना दी है, क्योंकि पिछली बार भी बीमार हो गया था यहाँ के। तो अभी बस चलते हैं नीचे, धूप में बैठते हैं थोड़ी देर। ओह हो बस गिर गया, गिर गया आदमी, आदमी जी गिर गए। ये स्वेटर ना बहुत लूज है, तो कंफर्टेबल सी लगती है, बच्चों को वैसे भी लूज लूज कपड़े पहनाने चाहिए होते हैं। लो जी तो अभी मैं आदमी को लेके चलती हूँ नीचे। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं धूप में बैठने, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, धूप सेकते हैं, उतने में यहाँ पे धूप भी चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना 1:30-2 बजे धूप चली जाती है जल्दी। मत सास बहू की कप्पे चलिए। ये देखिए यहाँ पे खनोर सुखा के रखा है, पिछले कल यहाँ पे फाड़ रहे थे, आज इसको फाड़ के सूखने के लिए रखा है। और मम्मी जी तो अभी फाड़ ही रहे हैं, ये देखिए मम्मी जी और भाभी जी दोनों बैठे हैं। और आधे से ज्यादा खनोर खराब निकला। गुना तभी मैंने आदमी को मम्मी जी के पास रखा है, और मैं जा रही हूँ गाय के लिए काढ़ा बनाने। तो इनकी ना गाय थोड़ी बीमार हो गई है, और उसके बाद फिर मुझे धोने हैं बहुत सारे कपड़े। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाय के लिए काढ़ा, आज फिर से बना रहे हैं हम काढ़ा, मीठे सौंफ डाल के गुड़ वाला काढ़ा, क्योंकि गाय थोड़ी बीमार हो गई है। तो अभी ये बन गया है, और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी रेडी है। और यहाँ पे ना मैंने कपड़े डाल रखे हैं, तो देखते हैं अभी मम्मी जरा भी क्या कर रहे हैं। आप भी कोई तो देखिए, पिछले कल से इतना खनोर फाड़ा है, अभी एक बोरी और बची है। तो ये वाली गाय ना बीमार हो गई है, और ये घास भी नहीं खा रही है, छेल पता नहीं खाया है इसने, थोड़ा सा खाया है, थोड़ा सा ऐसा ही बचा है। क्या हो गया गोरी को? मैं बोलती खट्टा सा ना सुषमा। तो अब इस खनोर को पानी से वॉश करेंगे, 1-2 दिन ऐसे ही इसको पानी में रखेंगे, उसके बाद फिर इसको छाना जाता है। तू अभी डर हो जाइयो संजू। तो अब इसको इस तरह से झाग निकल गया, झाग निकल गया इसमें। मामी लो देनी अच्छा रे तेरे टगड़ी पर नानी तेरी प्रभु सी आ जा अच्छा बनती।
ਕੋਣ ਸਾਰਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਰ ਇਹਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਜ है ना है ना ए तेरे को लगे ये क्या बोलने लगे है ना क्या बोलने लगते हैं ये तेरे को आरा चलो भाई ऊपर चलो धूप चले गई तंदूर के पास चलो बैठने आग जलाएंगे तो अभी ना तंदूर में भी आग जला दी है अभी तंदूर के पास खेल रहा है भाभी जी के साथ और मैं अभी जा रही हूँ नीचे रोड में ना दादी जी ने घास काट के रखा है छोटी सी बछड़ी है तो उसके लिए 3-4 कूले रखे होंगे मैं उसको उनको लाने जा रही हूँ फटाफट से जाके आती हूँ। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ रोड में और यहाँ पे ना दादी जी ने कहीं घास काट के रखा है दादी जी ने मुझे कहा था तो ये देखिए यहाँ पे दादी जी ने रखा है घास। तो अभी मैं आ गई हूँ खेत से घास लेके थोड़ा सा ही घास था 3 पूले वो भी छोटे छोटे और तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग क्योंकि कल हम घर जा रहे हैं और परसों मेरे पतिदेव जा रहे हैं वापस ड्यूटी और ये ना अभी 15 दिन छुट्टी आए थे और छुट्टी ख़त्म हो गई है 15 दिन पूरे हो चुके हैं। नब्बू दीदी दीदी की बुआ दीदी नब्बू दीदी कहाँ है आज बिक की नब्बू दीदी कहाँ है। हमारा डिनर बन गया है और हम बना रहे हैं अभी सेवैया की खीर। तो देखिए ये वाली सेवैया बनाएंगे हम ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसमें हम डालेंगे ये देसी घी देखा घी अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम डालेंगे इसमें ये सेवैया हो गई काफ़ी हो गई है और अब मैं इनको अच्छे से घी में हम भुनेंगे वैसे ना ये पहले से ही भुनी हुई है ये देखिए भुनी से वही है तो इनको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको ना थोड़ी देर अच्छे से घी में भुनेंगे तो भी हमारी सेवैया ना अच्छे से भुन गई है अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट वैसे ना इनको पहले भुनना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई तो थोड़ी देर इनको भी इसमें ही भूनूंगी। और अब हम इसमें डालेंगे दूध थोड़ा सा कोकोनट पाउडर बाकी बाद में। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यही है जी आर सानवी। हेलो हेलो सानवी हेलो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं फर्स्ट बुआ जी भी आए हैं दादी जी के साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं और ये देखिए नब्बू जी और हम यहाँ बैठ के सीख रहे हैं तंदूर पापा जी यहाँ पे सोए हैं यहाँ पे आदि सोए हैं क्या गप्पे चलिए मेरा नहीं है नहीं है मेरा आदि पागल नहीं है गिर गया आदि पापा ने गिरा दिया भाव को
मम्मा ये क्या खड़ा हुआ था पूरा ऐसे तो ऐसे ऐसे खड़ा है कपड़े हो गए सुपर ये क्या मारो 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 कहाँ थे दिन भर कहाँ थे दिन भर पता नहीं।